नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में ट्रॉपिकल डिप्रेशन बॉब 01 उत्तरी बंगाल की खाड़ी में सशक्त हो रहा है, जिसके अंदर अभी 55 किलोमीटर के आसपास हवाएं चल रहा है और आकार में भी बड़ा होता जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के इन्फ्लुएंस के कारण। सुबह की आसपास उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन जितना टाइम गुजरा है अपने आप को और भी इम्प्रूव करता गया है। नीचे हमारे तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट देखे तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश के सभी इलाकों में मध्यम से लेकर भारी तो कहीं पर अति भारी बारिश की भी संभावना है। और साइक्लोन वार्निंग की देखें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सारे तटीय क्षेत्र में जोर का हवाएं चलने का भी संभावना है। यहां पर आप मैप में भी देख सकते हैं कि अभी यह ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहां स्थित है। अगर गौर से देखेंगे तो यह सिस्टम एक तरह से उत्तर या उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यह भी आशंका किया जा रहा है कि यह लैंडफॉल होने से पहले और भी सशक्त होगा। ये डिप्रेशन ढाका से 631 किलोमीटर दूर, कोलकाता से 528 किलोमीटर दूर और भद्रक से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। और सिमुलेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि किस इंटेंसिटी में किस तरफ मुड़ेगा ये साइक्लोन। विंड सिमुलेशन मैप देखें तो दोनों ही मॉडल आइकॉन एंड GFS मॉडल डिप्रेशन का स्लो मूवमेंट दिख रहा है और उसके साथ धीरे धीरे और भी सशक्त होते हुए दिख रहा है। सशक्त होते होते ये साइक्लोन पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के तटों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आशंका किया जा रहा है कि लैंडफॉल के वक्त हवा की गति 120 से 140 किलोमीटर के आसपास होगा, अर्थात जहां लैंडफॉल करेगा वहां का कंडीशन और भी बिगड़ जाएगा, ये तो देखकर ही प्रतीत होता है। समुद्र का सतह का तापमान देखें तो साइक्लोन के लिए हैवीली फेवरेबल है। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, मतलब लिटली उबल रहा है सागर का पानी। आशंका किया जा रहा है कि साइक्लोन उधर पहुंचते ही बवाल कर देगा। कुछ इसी प्रकार की इंगित सी सर्फेस टेम्परेचर एनोमलीज में भी दिख रहा है। उसी के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल भी ठीक ठाक है, मतलब ये तो स्पष्ट हो रहा है कि साइक्लोन उधर पहुंचते ही रैपिडली इंटेंसिफाई भी कर सकता है। साइक्लोन के रैपिड इंटेंसिफिकेशन के पीछे एक और कारण ये लो टू मॉडरेट विंड शेयर भी है। इंडिकेशंस है कि यह विंड शेयर इस साइक्लोन के लैंडफॉल तक लो टू मॉडरेट ही रहेगा। पश्चिम बंगाल सहित बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी किया जा रहा है कि वो लोग अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। इट्स बेटर नॉट टू वेट फॉर अ ट्रेजेडी। ऐसे ही फास्टर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह लोग भी सतर्क हो जाए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें।